खा लो अभी, चॉकलेट दिखाओ अपनी। कहाँ भी गया। ओ, ये देखो और खा लो। क्या हो गया, मेरी तरफ पैसे क्यों देख रहे हो? आज पहली बार इतना सुंदर लड़का नहीं देखा। हाय, कैसे हो सब? तो आज ना मैं आपके साथ शेयर करूँगी एक रैंडम सा व्लॉग है जो थोड़ा सा ना बड़ा हो जाएगा, बट काफ़ी एक्साइटिंग है, आप ना पूरा देखना। ओके, सो शुरू करते हैं। ये ना, ये एक और लेके आना, ठीक है दीप? सुनो, ये वाला एक और लेकर जाना होगा। ये देखो, ये इसमें डालना ऊपर से, ताकि ऊपर से तो इससे ही डालेगा, छेद दो। दो मग कम से कम। अरे इसमें वो वाला पानी, इसमें मैंने वो डाला हुआ है क्या, मीठा छोटा। ये येलो सूखी पत्तियां, क्या हो गया? कांटा लग गया। इतने खुश हो रहे हो कांटा लग गया? अरे पौधे ही ना लगे। चलो क्या हो गया, मेरी तरफ पैसे क्यों देख रहे हो? आज पहली बार इतना सुंदर लड़का नहीं देखा। हाँ जी, तो यहाँ पर बन रही है पनीर की भुर्जी और साथ में बन रहे हैं पनीर के ही पराठे, जो कि फर्स्ट टाइम बना रही हूँ पनीर के पराठे। प्रिंस का मन था कि उसको खाने हैं, बट एक बार शायद मैंने पहले बनाए थे, ज़्यादा कुछ अच्छे लगे नहीं थे। सो आज फिर से मैं एक बार ट्राई कर रही हूँ। ये रहे पनीर के पराठे। इसके अलावा मैंने सिंपल पराठे भी बनाए थे, तो हो गया खाना रेडी। इसमें पनीर की भुर्जी और आलू फ्राई किए थे और साथ में ये सिंपल वाले पराठे हैं और दही है। सो अभी ना कुछ टाइम बाद हम कहीं जाने वाले हैं, तो वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। इससे पहले आ जाता है कैंटीन का सामान, तो थोड़ा सा आपको ये दिखा देती हूँ कि क्या क्या मंगवाया था। तो गाइस, पहले हमारी बीकानेरी भुजिया, क्रंची स्पाइसी नूडल्स, और सेकंड है हमारा लाइजोल वाला फ्लोर क्लीनर, और फिर आता है हमारी ये तीन माजा जो कि बड़ी टेस्टी हैं, एक घूट में सारा समुंदर पी जाएं। और फिर ये मस्टर्ड ऑयल हिम का, उसके बाद ये तीन बर्बन, और ये एक डार्क फैंटेसी वाला ओरियो। अच्छा, तुम्हें लगता है तुम्हें क्यों लाए हो? ऐसे ही मन किया तो उठा लिया। अच्छा ठीक है, वहाँ रखो। और फिर ये कैच की लाल मिर्च नींबू भुजिया, ओ गिर गया सर हमारा। और ये नवरत्न ऑयल जो कि पापा लगाते हैं अपने सर में, जो कि हमें बिल्कुल नहीं पसंद। और ये डव शैम्पू जो कि मैं लगाऊंगा, ये हनी जो कि पापा पीते हैं शायद, और ये आलमंड ड्रॉप्स ऑयल जो मैं और मम्मा लगाते हैं। मैं पीती नहीं हूँ, पर मैं फेस पैक में यूज करती हूँ। और ये मैं अपने बालों में लगाऊंगा, हेयर ऑयल आलमंड ड्रॉप्स। और ये है चंदन की 6-in-1 सोप। ये देखो, इसमें सारे फ्लेवर की आएगी सोप, जिस फ्लेवर की चाहिए आपको सारे मिक्स करके पीनी है तो मिक्स करके। डिटेल में नहीं जाना, पता है सबको। चलो वहाँ रखो। और ये है पोहा, उसके बाद पोहा है और गाय भी। ये नॉर्मल वाला पैक नहीं लाया मैं, ये मैं लाया हूँ थोड़ा गोल्डन वाला पैक, ऐसा वाला। पहले इसमें ब्लैक वाली में आती थी ना पैकेट, पहले पिंक थोड़ा पिंक, पर्पल। हाँ, 5-star है। एक सेकंड मैं खोल दूँगी। हाँ, 24 या 32 आएंगी 5-star शायद, जो कि गोल्ड तो 5-star ही लगेगा। हाथ भी ना लग जाएगा। ओह माय गॉड, तो उस पे दे ही रखा। तो गाइस, क्या गंदी सी चॉकलेट आ गई, और मैं बिल्कुल नहीं खाऊंगा ये चॉकलेट गंदी सी। क्यों, पता नहीं कौन खाए गई। एक खा के देख लेते हैं, टेस्ट कर लेते हैं। अरे तुम सामान तो दिखाओ, बाद में टेस्ट। ये लो, ये तो पहले खाने लग गया। चलो मैं दिखाती हूँ अभी। ये डेयरी मिल्क लेकर आए, कितने फ्रूट एंड नट्स वाली डेयरी मिल्क। इस बार तो कम लाए, वरना पता नहीं। ओ गाइस, ये अच्छी है वैसे। है फॉइल पेपर जो कि नहीं लगाना चाहिए टिफिन में, बट क्या करें, खाना गर्म रखने के लिए है ना। सो इसके बाद ये जो, ये पिछली बार भी शायद आपको मैंने दिखाई होगी, हाँ दिखाई थी, तो वो अभी फिनिश नहीं हुई थी, इससे पहले फिर उठा लाए। ओ गॉड, वही स्ट्रॉबेरी का फ्लेवर, ग्रेपी का और ऑरेंज। किस चीज़ को पसंद है? मुझे तो बिल्कुल नहीं अच्छी लगती, आप लोग बताओ आपको पसंद है क्या ये। ओके, इसके बाद है ये, क्या है ये, पेनी रिग्रेट। अच्छा पास्ता है, बट ये कोई और ही ब्रांड का लाया ना इस बार, वो नहीं थी। दिखाओ, अकेले खा रहे हो, दिखाओ अपना चेहरा। नीचे करो ना चेहरा, नहीं मिलेगी। नीचे तो करो बेटा, हाँ उधर देख लो चाहे।
हाँ अभी नीचे नीचे, हाँ बस ऐसे रखो मुझे, खा लो अभी, चॉकलेट दिखाओ अपनी। कहाँ भी गया? ओह माय गॉड, पूरी फिनिश कर दी प्रिंस ने अपनी चॉकलेट। डांस नहीं करना, हटो। ये है हैंको, ओए इतना बड़ा स्टेन केयर, और ये दो दो, ये दो लेकर आए, उसके साथ ये टब बना, ये फ्री। तो एक के एक हैंको सर्फ के साथ में एक फ्री। ज्योति लिप्स, दिस पता नहीं क्या ही बदतमीजी, बहुत स्मॉल से हैं बट कोई बात नहीं, कपड़े धोने के लिए दिए हैं। तुमसे ना हो पाएगा, क्या कहा, एक बार ही पकड़ना पेपर, रहने दो, दिख गया वैसे ही दो, नहीं देखो एक, उसके लिए मेरे को 2 मिलियन मतलब 2 लाख लाइक चाहिए, अगर मैंने दो टप को 2 अलग अलग में कर दिया तो आपको 2 लाख लाइक करने पड़ेंगे, हाथ में लग जाएगी, तो रहने दो 2 लाख लाइक। गाइस अगर मैंने इन दोनों को अलग अलग कर दिया तो आपको 2 लाख वैसे कैसे लाइक करने पड़ेंगे। सो उसके बाद ना ये मशीन लेकर आए थे मिस्टर हस्बैंड, 2 मशीन हैं, एक तो ये सेलो की है जो कि बाहर मार्केट से ही लेकर आए थे, ये एक्चुअली हमने अमेजोन पर भी देखी थी बट मार्केट गए हुए थे तो उनको वहाँ पर ये वाली पसंद आ गई, और ये सच्ची में बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। अगर आप ऑरेंज का जूस बनाते हो, मौसमी का जूस बनाते हो, और मौसमी का जूस ना ज़्यादातर कड़वा हो जाता है, बट ये एक ऐसी मशीन है कि इसमें बिल्कुल भी कड़वा नहीं होगा और आपको प्योर वाला जूस मिलने वाला, वो भी ओनली 2 मिनट्स में। और आपको याद होगा मैंने करवा चौथ वाला व्लॉग शेयर किया था ना, तो उसमें आपको प्रॉपरली दिखाया था कि किस तरह से इसमें से जूस निकलता है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है करवा चौथ वाला तो ज़रूर से जाके देखना, तो उसमें इस मशीन का मैंने दिखाया हुआ है कि किस तरह से जूस निकलता है, तो आप ना उसमें देख लेना है। ओके इसमें मैं जूस निकाल कर नहीं दिखाऊंगी बट आपको बता रही हूँ यहाँ पर ना, ये प्रिंस बता रहा है कि ना इसके अंदर 2 पार्ट्स इस टाइप से आते हैं, आपने देख लिए, और दोनों को जॉइंट करके इस मशीन में ऐसे लगाना होता है, और उसके बाद इस ग्लास को नीचे रख दो और जो हैंडल है ना उसको ऐसे घुमाना है, और उसके बाद इसमें जूस निकल आता है। बहुत ही आसान है इसको यूज करना और काफ़ी हैंडी और काफ़ी अच्छी भी है ये, आप लेना चाहो तो ले सकते हो, ये अमेजोन पर भी है और आप अपने मार्केट में ये सर्च कर सकते हो। इसके अलावा ना एक और मशीन भी ऑर्डर की थी जो कि बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, एंड जब हमने इसको ख़रीदा था ना तब इसकी प्राइस थी आई थिंक 1800 थी, और अभी इसकी प्राइस ना कम हो रखी है 1600, बट ये कोई भी काम की नहीं है, सिट्रस जूसर है ये मशीन, और ये अमेजोन से बाय की थी, और ये इतना स्लो मोशन में जूस निकालती है ना तो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद आई। इसके साथ ये चार्जर मिलेगा और ना आपको बहुत टाइम लगेगा इसको चार्ज करने में, और उसके बाद जब आप इसका जूस निकालते हो ना इसमें, इस मशीन को यूज करते हो ना, तो बहुत जल्दी ये डिस भी हो जाती है, तो ये मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, और इसके रिव्यू ठीक ठाक थे बट मुझे तो ये बिल्कुल नहीं पसंद आई। तो आप इसमें ना बिल्कुल भी इन्वेस्ट मत करना, ये कोई काम की मशीन नहीं है। ये देखो अभी इसकी प्राइस अमेजोन पर चल रही है 1649, और बिल्कुल भी वर्थ टू बाय नहीं है, तो आप ये मत यूज मत मंगवाना इसको, तो इसीलिए मैंने आपको मेंशन करने के लिए ये मशीन भी दिखाई है साथ में। तो इसके ये वाले पार्ट्स इस तरह से आपको मिलेंगे और यहाँ से जूस निकलता है, तो ये यहाँ पर दिया हुआ है इस तरह से, ये बटन है इसका, और इसको ना चार्ज करने के बाद ही हम इसे यूज कर सकते हैं, तो यहाँ पर ये वायर साथ में दिया गया है, चार्जेबल है ना, यहाँ से हम चार्ज कर सकते हैं इस वायर से। नहीं यार हमने आई थिंक ये 1800 में नहीं पूरे 2000 में ही ख़रीदी थी, और मुझे तो ये बिल्कुल नहीं पसंद आई। और इसमें ना जब भी हम जूस निकालते हैं ना, तो मैं आपको दिखाऊंगी, ये देखो मौसमी को कट करके इसमें यहाँ पर आपको इस तरह से रखना होता है, और इसकी जो कैप आती है ना उसको इस पर लगा कर और इस तरह से इसको बंद कर दो, और इसके बाद जो है वो ये मशीन का जो
यहाँ पर बटन्स दे रखे हैं ना ऑन ऑफ का, इसको ऑन कर दो और ये मशीन इस तरह से चल पड़ती है। और देखना काफ़ी टाइम लग जाएगा इसका जूस निकालने में, बस ये है कि इसमें ना आपको हाथों का जोड़ नहीं लगाना पड़ेगा, बस ये आराम के लिए है, बट कोई यूज़ भी नहीं आएगी। जो पहले वाली मशीन दिखाई थी ना उसको आपको हैंडल को इस तरह से घुमाना पड़ेगा तो हल्का सा जोर लगता है हाथ में, बट बहुत ज़्यादा अमेजिंग वाली मशीन थी वो। अभी इसमें देखना मैंने जूस निकाला था बट आपको दिखाया नहीं यार, क्या दिखाती, इतना थोड़ा सा जूस निकला और जो मौसमी है ना उसमें ना अच्छे से जूस इसका पूरा निकलता भी नहीं है, उसके अंदर वो रस है ना वो रह जाता है, तो ये बिल्कुल अच्छी नहीं है। ओके, तो ये मशीन आप बाय मत करना बिल्कुल भी। लेना चाहते हो जूसर मशीन जिसमें आप मौसमी का, अनार का, इस टाइप का जूस, अनार का तो आप कोई भी ग्राइंडर में निकाल सकते हो, बट ये जो सीट्रस फ्रूट्स आते हैं ना जिनका जूस कड़वा हो जाता है, अगर उसके लिए आप कोई मशीन लेना चाहते हो ना तो आप जो पहले मैंने दिखाई थी वैसे वाली लेना। ओके, सो इसके बाद हमने इसे वॉश करके अच्छे से टिश्यू पेपर से क्लीन करके इसे रिटर्न पर डाल दिया था। अभी इवनिंग का टाइम हो गया और हम जा रहे हैं कहीं बाहर और ये प्रिंस है ना अपने हाथ में कैसे बटरफ्लाई लेकर बोला मम्मा मेरी वीडियो बनाओ, तो उसी का है, कितनी प्यारी बटरफ्लाई लग रही थी। तो हम ये एक्चुअली ना उस दिन का नहीं है, ये कुछ दिन पहले का है, बट मैंने इसमें ऐड कर दिया बिकॉज काफ़ी दिन से मेरे पास ये क्लिप पड़ी हुई थी तो सोचा इसी वीडियो में ऐड कर देती हूँ। तो हम गए थे यहाँ पर, मैं अहमदाबाद में रहती हूँ, यहाँ पर ना जो वो है ना रिवर फ्रंट वहाँ पर हम गए थे, और अभी फिर से एक बार जाऊंगी तो अच्छे से प्रॉपरली वीडियो बनाऊंगी। तो वहाँ पर मैंने थोड़ा सा ही लिया था ये, इसके बाद जो है वो प्रिंस यहाँ पर वो ना खेलने के लिए गया था तो मॉल में ना यहाँ पर प्रिंस और उसके पापा जो है वो कुछ टाइम तक यहाँ पर खेलने लग रहे थे, तो मैंने वहाँ का भी वीडियो थोड़ा शूट कर लिया। मैं आपको इस वीडियो में भी दिखाई नहीं दूंगी बिकॉज ऐसे ही रैंडमली शूट किया था यार, मेरा मन नहीं था कि मैं डालूंगी या नहीं डालूंगी, बट अभी सोच रही हूँ क्लिप पड़ी हुई थी काफ़ी दिन से गैलरी में तो इनको डिलीट करने का भी मन नहीं कर रहा था, तो इसलिए सोचा चलो आपके साथ शेयर कर लेती हूँ, इसलिए मैंने आपको ये दिखाया। क्या हो गया आपको, क्या हो गया? कितना अच्छा लग रहा है, पर धुआं देखो वहाँ पे कितनी अच्छी से आ रही है। कहाँ है धुआं? उधर से नहीं आ रही, कहाँ से? पहले आ रही थी। यहाँ कब तक ये पार्क खुला रहता है? जब तक हम लोग सो नहीं जाते यहाँ पे, एक दो दिन भी ले लेते तो रिवर फ्रंट से जब हम घर वापस जा रहे थे तो हो गई थी काफ़ी रात, और ये नाइट का शूट किया था थोड़ा सा, और इसके बाद डिनर में मैंने बनाया था फ्राइड राइस और साथ में प्रिंस के लिए बनाए थे पास्ता, बिकॉज बाहर का खाना बिल्कुल नहीं पसंद तो इस वजह से घर पर बनाया, बहुत कम खाते हैं बाहर। तो वीडियो कैसा लगा मुझे जल्दी से ना कमेंट करके बताओ, और थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, बाय बाय।